नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कई कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो के अंदर। मुझसे पूछा जा रहा है कि सर, आप हमें 498 ए जो दहेज का जो झूठा केस लगा दिया जाता है, तो उसके बारे में आप हमें मतलब डिटेल से बताइए। आप मतलब अगर ऐसा कोई झूठा केस लगा दिया जाता है, 498 ए लगा दिया जाता है, तो जिससे मतलब कई पुरुषों की मतलब जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है एक झूठे केस के कारण, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं वो रामबाण उपाय बताने वाला हूँ कि अगर कोई 498 यही झूठा केस भी लगा देता है, तो उससे मतलब आप कैसे समाधान पा सकते हैं, उस केस से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल सरल भाषा के अंदर समझा के और एक एक टॉपिक बताऊंगा। एक वकील होने के नाते, एक हाई कोर्ट का वकील होने के नाते, मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही खुल के और बहुत ही सरल सटीक जानकारी देने वाला हूँ, जिससे मतलब अगर किसी के ऊपर 498 ए झूठा केस भी लगा दिया जाता है, तो वो मतलब उस केस से कैसे आज़ादी पा सकता है, यानी कि उस केस से कैसे मुक्ति पा सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ और बिल्कुल खुल के और बिल्कुल सरल भाषा के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए। तो ये तो आप सभी को भी पता है कि जिसके ऊपर मतलब 498 ए लग जाती है, यानी कि जो दहेज का जो झूठा केस लग जाता है, तो उसके साथ में मतलब कई अनेक धाराएं और लगा दी जाती है पुलिस के द्वारा, तो जिससे मतलब खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिस पति के ऊपर मतलब जो 498 ए का जो झूठा केस लगाया जाता है, उसको मतलब काफ़ी परेशान होना पड़ता है। और साथ में मतलब उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो परिजन हैं, उसके जो घर वाले हैं, उनको भी मतलब बिना बात के ही खासा यहाँ पे दिक्कत आती है, मतलब बहुत ही परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर इसी का रामबाण इलाज बताने वाला हूँ, इसी का मतलब रामबाण समाधान बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके फायदे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूँ और शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि जो 498 ए केस है, जो दहेज का जो केस है, वो मतलब क्यों लगाया जाता है और इससे मतलब क्या क्या परेशानियां आती है, और इसके साथ में ही मतलब कौन कौन सी धाराएं पुलिस और जोड़ देती है, जिससे मतलब जिसके ऊपर ये 498 ए यानी कि दहेज का जो झूठा केस लगता है, वो परिवार यानी कि पूरी तरह से फंस ही जाता है जिंदगी भर के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 498 ए केस है, वो मतलब कई रिश्ते हैं वो मतलब बिगड़ जाते हैं या फिर बर्बाद ही हो जाते हैं, जिससे मतलब उस पति पक्ष का जो परिवार है, उसको परेशान करने के लिए झूठा 498 ए केस का सहारा लिया जाता है पत्नी पक्ष के द्वारा या पत्नी पक्ष के परिवार के द्वारा। तो ये एक 498 ए का केस से एक मोहरा बना के मतलब उपयोग लिया जाता है, जिससे मतलब जो पति पक्ष जो उसका परिवार है, उसको मतलब पूरी तरह से फंसा लिया जाता है इस जाल के अंदर। तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा 498 ए केस के साथ में जो धाराएं हैं, वो आईपीसी की धारा 406 भी लगवा दी जाती है स्त्री धन से संबंधित, और इसी के साथ में जो 354, 377, 323, 324 और 325 धाराएं मारपीट की भी लगा दी जाती है पुलिस के द्वारा, यानी कि जो स्त्री पक्ष का जो परिवार है और जो स्त्री पक्ष है, उसके द्वारा ये मतलब अनेक धाराएं ये पुलिस को बोल बाल के और जुड़वा दी जाती है, और पुलिस को ही पता है कि कौन कौन सी धाराएं लगानी है, तो पुलिस के द्वारा ये धाराएं लगा दी जाती है, उनके द्वारा मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, जो पत्नी पक्ष का परिवार है उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, और फिर पुलिस द्वारा ये अनेक धाराएं और लगा दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीसी की धारा 406 स्त्री धन से संबंधित है, तो ये धारा लगा दी जाती है, और इसमें मतलब 354, 377, 323, 324, 325 धारा जो मारपीट से संबंधित है, ये भी लगा दी जाती है। और यहाँ पे जो आईपीसी की धारा 504 है, 506 है, वो भी लगा दी जाती है, ये भी मतलब धमकी की धाराएं हैं, जो डराना धमकाना आता है
तो ये धारा भी जोड़ दी जाती है। इसके साथ में और भी धाराएं आती है, जैसे आईपीसी की धारा 34A भी हो गई, और इसमें मतलब 35 धारा भी हो गई, यानी कि 34A भी और 35 धारा, ये मतलब जो भी पति पक्ष है उसका जो परिवार है उसको शामिल करने के लिए इस धारा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पति है उसको ही नहीं फंसाया जाता है, बल्कि उसका जो परिवार है उसको भी इस धारा के तहत फंसा दिया जाता है। जो आईपीसी की धारा 34A भी है और 35 है, उसके द्वारा मतलब पति के जो परिवार है उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी फंसा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि एक 498 दहेज की जो धारा है इसमें मतलब मानी जाती है कि एक ही धारा है, पर इसके साथ में मतलब कई अनेक धाराएं जोड़ दी जाती है, जिससे मतलब ये अपराध एक गंभीर अपराध हो जाता है। मतलब कई तरह के मतलब इसमें जो सजाएं हैं वो आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर किसी के ऊपर 498 का केस लगा दिया जाता है और साथ में ये धाराएं भी लगा दी जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर केस झूठा है और झूठी तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही रामबाण समाधान इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो समाधान ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपके ऊपर ये झूठा केस लगा दिया जाता है 498A का, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना चाहिए कि जिस पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस लगाया है, तो वो मतलब जहाँ पर भी रह रही है, यानी कि वो अपने मायके रह रही है, तो वहाँ पे आपको उसको लेने के लिए जाना चाहिए, लेने के लिए जाना चाहिए उसको, और मतलब राजीनामा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हमारी कोई गलती नहीं है, और मतलब आप मतलब हम कोई ऐसा केस में मतलब क्यों फंसाना चाहते हैं। तो ऐसे मतलब कई बातें कीजिए, आप अपने साथ में मतलब बड़े बुजुर्गों को, समाज के आदमियों को भी लेके जा सकते हैं। और याद रहे मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस कंडीशन के अंदर, ये जो भी मतलब घटना होती है उन सब का वीडियो आपको बनाना अति आवश्यक है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रूफ के लिए आपको इस घटना का वीडियो बनाना अति आवश्यक है। यानी कि जो भी एक्टिविटी आपको नजर आती है, यानी कि आपके पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस लगाया है, और उसकी मतलब कोई भी कमी आपके पकड़ में आती है, तो आप झट से उसका वीडियो बना लीजिए। यानी कि आप अपना जो मोबाइल है उसका कैमरा ऑन ही रखिए और उसका वीडियो शूट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके जाते हैं, यानी कि उसके मायके जाते हैं उसको लेने के लिए, तो आप इसे घटना का भी वीडियो बनाइए कि आप उसको लेने के लिए मायके जा रहे हैं और वहाँ पे मतलब क्या क्या बातचीत होती है। तो यहाँ पे मतलब कई बातें ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाती है, जिससे मतलब पता चल जाता है कि आपके ऊपर 498A का जो ये केस है ये झूठा लगाया जा रहा है। यानी कि किसी न किसी के मुंह से तो वो बात जरूर ही निकल जाती है, जैसे कोई भी जैसे आपकी पत्नी पक्ष का जो परिवार है उसके द्वारा ही मतलब किसी के द्वारा भी ये बात निकाल दी जाती है मुंह से कि हम आपको मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, आप हम आपकी मतलब अकड़ निकाल देंगे। यानी कि बिना वजह के ऐसे बातें बोलते हैं। तो इन सभी बातों का जो भी घटनाक्रम है उन सभी का आपको वीडियो बना लेना चाहिए। यानी कि आप लेने के लिए जा रहे हैं, आप अपने साथ ही मतलब आप अपने परिजनों को लेके जा रहे हैं उसको मतलब लाने के लिए कि आप हमें क्यों फंसाना चाहते हैं, तो इन सभी घटनाक्रम को आपका जो वीडियो है वो आपको बना लेना चाहिए। तो ये तो हुई एक मेन बात। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर भी आप अगर लेने के लिए जाते हैं 498A का झूठा केस लगाने के बाद में, आप अगर आपकी पत्नी को लेने के लिए जाते हैं और उसके बावजूद भी वो आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं होती है, आपके साथ मतलब आना नहीं चाहती है, आपके साथ मतलब रहना नहीं चाहती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मतलब जो सेक्शन 9 का जो केस है, जो पिटीशन है, वो फाइल कर देनी चाहिए कोर्ट के अंदर वकील के माध्यम से, कि
मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था, वो मतलब आई नहीं, तो इसी कंडीशन में उसके ऊपर सेक्शन 9 का जो पिटीशन है वो फाइल कर दीजिए। तो ये भी एक आपके ऊपर मतलब आपके पास में स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कई प्रूफ हो गए, जैसे आपने उसका वीडियो वगैरह बनाया हो, जो भी घटनाक्रम है, जो झूठी घटनाक्रम है उसका वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी आपके पास में प्रूफ हो गया। और दूसरा बचने का उपाय हो गया, जो सेक्शन 9 का पिटीशन आपने फाइल किया वो। अब यहाँ पे आप घबरा जाते हैं कि आपके ऊपर मतलब FIR दर्ज करवा दी गई है 498 एक केस की। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 498 एक केस डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है, इसकी भी मतलब एक दो काउंसलिंग होती है, उसमें मतलब आपको बुलाया जाता है, पत्नी को बुलाया जाता है, तो फिर मतलब उनके बीच मतलब सुलह वगैरह करवाई जाती है, बातचीत करवाई जाती है। और उसमें मतलब अगर उसने अगर झूठा केस लगाया जाता है तो कोई ना कोई तो वहाँ पे मतलब कोई ना कोई बात तो वहाँ पे निकल के आ जाती है, जो मतलब पकड़ में आ जाती है कि जरूर इसने मतलब झूठा केस लगाया है पति के ऊपर। तो यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी मतलब पर्दाफाश हो जाता है, काउंसलिंग होती है ना, दो काउंसलिंग, तो उनके अंदर ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी FIR 498 एक केस की दर्ज नहीं की जाती है। तो एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर कोई 498 एक की कोई भी पत्नी अगर कोई भी FIR वगैरह दर्ज करवाती है तो वो महिला पुलिस थाने में ही दर्ज किया जा सकता है, अन्य पुलिस थाने में ये दर्ज नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं पे महिला पुलिस थाना नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो जो 2 स्टार जो सब इंस्पेक्टर होते हैं और या फिर उनसे ऊपर जो इंस्पेक्टर या अधिकारी होते हैं पुलिस लेवल के, तो उनके को पावर दिया गया है कि वो 498 एक का मामला दर्ज कर सकते हैं, महिला पुलिस जो थाना है वो नहीं होने की स्थिति के अंदर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि हर कहीं पे मतलब 498 एक का केस मतलब दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि आप ऐसी कंडीशन के अंदर घबरा जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 498 एक केस की कहीं पे भी डायरेक्टली FIR दर्ज नहीं की जाती है। जैसे आप तो ये समझते हैं कि आपकी पत्नी या फिर उसके परिजन आपके खिलाफ 498 एक ही FIR दर्ज करवा रहे हैं, तो वो क्या डायरेक्ट FIR दर्ज करवा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी FIR है जो 498 एक ही है वो डायरेक्टली दर्ज नहीं की जा सकती है, पहले काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में क्या होता है कि पुलिस द्वारा आपको बुलाया जाता है, पहले एक तो काउंसलिंग होती है और उसमें मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर ये कोई झूठी है मतलब ये केस वगैरह तो नहीं लगाया जा रहा है, और उसके परिजनों को भी बुलाया जाता है। तो इसमें मतलब क्या कि आपसी समझाइश की जाती है और इसमें मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो निकल के आ ही जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये 498 एक का केस है, ये पति के ऊपर झूठा थोपा जा रहा है, इसके परिवार के ऊपर झूठा थोपा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी मतलब उस झूठे केस का पर्दाफाश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस केस का मतलब डायरेक्टली FIR दर्ज नहीं करवा सकता है, पहले इसकी मतलब काउंसलिंग होती है, दो एक या दो काउंसलिंग होती है जिसमें मतलब आपको भी बुलाया जाता है और आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर दो काउंसलिंग के बाद में भी बात नहीं बनती है तो आपको भेज दिया जाता है, आपके घर भेज दिया जाता है, और फिर आपकी पत्नी को बुलाया जाता है, और फिर आपकी पत्नी द्वारा मतलब दोबारा FIR के लिए मतलब अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि शुरू में ही डायरेक्टली FIR दर्ज कर दी जाएगी 498 एक ही, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले मतलब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आपके द्वारा या फिर आपके परिवार के द्वारा मतलब कुछ उनको बताया जाता है, पुलिस वालों को मतलब आपकी तरफ से सफाई देनी पड़ती है पुलिस वालों को, तो आप बता सकते हैं इसमें मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो निकल के आ ही जाता है, जिससे मतलब साफ पता चल जाता है कि आपके ऊपर 498 एक का केस झूठा थोपा जा रहा है। और अगर ऐसी काउंसलिंग में बात नहीं बनती है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पत्नी को दोबारा बुला के और फिर आपके ऊपर FIR लगाई जाएगी। तो
अगर एफआईआर लगा दी जाती है तो फिर आपके पास में सीआरपीसी का सेक्शन का जो 41A का नोटिस है वो आएगा, और उस 41A के नोटिस के अंदर जो भी एफआईआर के अंदर जो भी बातें लिखवाई गई हैं वो सभी बातें उस 41A के नोटिस के अंदर होगी, तो वो नोटिस आपके पास में आएगा। तो आप क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं, 41A का जो नोटिस आता है सीआरपीसी के सेक्शन 41A का जो नोटिस आता है उसको देख के आप घबरा जाते हैं। तो इसमें मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डर के कहीं पे भी नहीं भागना है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत से पर्सन क्या है कि वो लुक जाते हैं, छिप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मतलब है, आपके ऊपर ये झूठा केस है तो आपको मतलब मजबूती से खड़ा रहना है और जो भी प्रूफ है वो अपने पास में रखना है। तो यहाँ भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो 41A का नोटिस है उसका जरूर पालन करना चाहिए, और मतलब 41A के नोटिस का पालन करते हुए आपको मतलब थाने में जरूर जाना चाहिए, और आपके पास में जो भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है वो सभी आपको लेके जाना चाहिए, जिससे मतलब आपको काफ़ी हेल्प इसे जो है कि जो आपके ऊपर केस लगा हुआ है इसके अंदर आपको मतलब काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। जैसे 498 एक ही केस के साथ में जो स्त्री का जो आपके जो पत्नी है उसका जो परिवार है उसके द्वारा मतलब काफ़ी कई धाराएं मतलब जुड़वा दी जाती है पुलिस के द्वारा, जैसे स्त्री धन की धारा, जैसे आईपीसी की धारा 406 जुड़वा दी जाती है आपके ऊपर 498 एक केस के साथ में। तो आईपीसी की धारा 406 में जो स्त्री धन है तो उसके हटवाने के लिए आपको मतलब जो आपकी शादी का वीडियो है वो पुलिस को दिखाइए कि देखिए हमारे द्वारा मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी धन या फिर कोई भी दहेज नहीं लिया गया है, जो भी दिया गया है वो मतलब इसके परिवार के राजी से ही दिया गया है। तो वो वीडियो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं और जिससे मतलब आप आईपीसी की धारा 406 हटवा सकते हैं जो स्त्री धन की धारा है, तो ये तो यहाँ से हट जाएगी। अब होता क्या है कि इसमें मतलब आपके साथ में यानी कि जो पति रहता है पति को तो यहाँ पे फंसाया जाता ही है 498 के केस में, साथ में उसके परिवार को भी फंसा दिया जाता है दहेज के केस के अंदर 498 एक ही केस के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जो भी आपके रिश्तेदारों का जो नाम लिखा गया है इस केस के अंदर तो उन सबकी लोकेशन बता के आप पुलिस को बता सकते हैं कि ये जो भी हमारे रिश्तेदार हैं ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, ये बाहर रहते हैं और इनका मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप पे मतलब उनकी लोकेशन वगैरह देख के यानी कि उनकी लोकेशन वगैरह दिखवा के पुलिस के द्वारा उन सभी का नाम आप हटवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मतलब उनको यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी इस केस के अंदर से। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसमें मतलब कई धाराएं मारपीट की भी जोड़ दी जाती है, जैसे आईपीसी की धारा 323 है, 324 है, 325 है, और भी मतलब कई अनेक धाराएं हैं जैसे धमकी वगैरह। तो ऐसी धाराओं में क्या है कि आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, तो ये अग्रिम जमानत के द्वारा ही इन धाराओं का सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक एक करके मतलब सभी धाराएं थाने के अंदर ही आपकी हटा दी जाएगी, तो आपके पास मतलब स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको 41A का जो नोटिस आता है जो पुलिस के द्वारा, तो उस नोटिस का आपको पालन करना चाहिए और आपको मतलब थाने में जाना चाहिए, तभी आपका चालान पेश होगा, कोर्ट के अंदर चालान तभी पेश होगा जब आप मतलब वहाँ पे जाएंगे 41A के नोटिस की आप पालना करेंगे। जो 41A का नोटिस है और 498A का जो झूठा केस लगाया गया है आपके ऊपर दहेज का, तो उसके ऊपर आप सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ले सकते हैं, और अग्रिम जमानत लेके और आपको मतलब कोई भी जेल वगैरह नहीं होगी और आप मतलब ये केस चलता रहेगा और इसकी पेशियों के ऊपर आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जेल तो होनी नहीं है और आपको मतलब घबराना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पहले मतलब पत्नी द्वारा आरोपी साबित करने के लिए उसके द्वारा मतलब प्रूफ वगैरह वहाँ पे देने पड़ेंगे, कोर्ट के अंदर मतलब लंबा प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद में जाके और आपका नंबर आएगा। तो इसमें मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलने वाला है, ऐसे जो लंबा प्रोसीजर चलेगा तो ऐसी कंडीशन में आपके पास मतलब काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे और आप मतलब अपने सबूत देके और इस केस से मतलब पूर्णतया से आज़ादी पा सकते हैं।
और उल्टा केस आप अपनी पत्नी और उसके परिवार के ऊपर भी लगा सकते हैं कि इसने मतलब हमें मतलब हमारा समय बर्बाद किया, हमारा धन बर्बाद किया और हमें मतलब झूठा फंसाने की कोशिश की, जिससे मतलब हम समाज के अंदर भी गिर गए हैं। तो उसके ऊपर मतलब कई धाराओं के अंदर आप अपने वकील के माध्यम से केस भी लगवा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। तो अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में घंटी को जरूर दबाइए, जैसे कोई भी नई वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। तो आगे मिलेंगे आपसे लीगल के नए नए टॉपिकों के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।